अब देखिए कांग्रेस छोड़कर के वो आ चुके हैं इमरान मसूद साहब, लेकिन मसूद की अखिलेश से बात नहीं बनी। ये जानकारी आपको विस्तार से दे रहे हैं। 12 जनवरी को अखिलेश से मिले थे इमरान, आपको याद होगा, और विधायक मसूद अख्तर को साथ ले गए थे इमरान। मसूद अख्तर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, सपा में शामिल होने का ऐलान भी किया था। दोनों में से किसी को टिकट नहीं मिला है। बसपा के संपर्क में इमरान मसूद और मसूद अख्तर हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में शामिल हुए, पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि बसपा के संपर्क में है। क्या बसपा में उनकी जाने की खबरें जो आ रही हैं उनमें कितनी सत्यता है, इसी को लेकर जानकारी लेते हैं। इसी पर बलराम पांडे जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बलराम, अब देखिए कांग्रेस से वो आए थे समाजवादी पार्टी में ये उम्मीद लेकर के कि वहां पर उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब ये कहा जा रहा है कि बसपा के संपर्क में दोनों ही हैं, इमरान मसूद और इमरान मसूद अख्तर। अब देखिए इसको लेकर क्या आपके पास जानकारी मिल पा रही है, क्या आपको बता रहे हैं आपके सूत्र, क्या कहा जा रहा है, शामिल होंगे बसपा में? देखिए जिस तरीके से इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़ करके सपा का दामन थामने की कोशिश की, वो कोशिश कहीं ना कहीं उनकी नाकाम रही, क्योंकि वो 3 दिनों तक लखनऊ में डेरा डाले रहे कि अखिलेश यादव से बात हो और उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो कि आखिरकार उन्हें टिकट मिलेगा, उनके सहयोगी को टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 12 जनवरी को उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिला था कि आगे हम बात करेंगे, लेकिन वो लगातार डटे रहे कि उन्हें बेहद से टिकट दी जाए, समाजवादी पार्टी उन्हें बेहद से टिकट दे। लेकिन जब बेहद से समाजवादी पार्टी ने उमर अली को उतार दिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनकी उम्मीद थी वो टूटी है, और यही वजह है कि कल वो सहारनपुर वापस लौट गए और उन्होंने कहा कि जो विश्वास लेकर के वो लखनऊ आए थे अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने मीडिया से भी बात करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि हमें क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब उनके पास 2 विकल्प है, या तो वो खुद वापस कांग्रेस जाएं या फिर वो बहुजन समाज पार्टी का रुख करें, तो कहीं ना कहीं अब वो कांग्रेस का दामन नहीं थामना चाहते हैं, इसलिए वो बसपा के नेताओं के संपर्क में है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2-1 दिन में अगर उनकी बात बनती है तो वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ मसूद अख्तर, जो सहारनपुर देहात से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने भी बगावत की थी कांग्रेस से और वो भी इमरान मसूद के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दोनों नेता लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संपर्क में है और लगातार उनकी बात चल रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब वो बहुजन समाज पार्टी का दामन कब थामेंगे ये तो इमरान मसूद ही बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो 3 दिनों तक लखनऊ में रहे और अखिलेश यादव से संपर्क साधने की वो कोशिश कर रहे थे तो वो संपर्क कहीं ना कहीं उनका टूटा है और यही वजह है कि वो वापस गए हैं। लेकिन जब हमने उनसे बात की फोन पे तो उन्होंने एक चीज जरूर बताई थी कि वो निराश है, काफी उम्मीद लेकर के वो लखनऊ आए थे और वो उम्मीद कहीं ना कहीं उनकी टूटी है, क्योंकि आप देखिए अगर उनके हम पुराने दौरे को याद करें तो पिछले 4-5 महीनों से लगातार वो एक ताना बाना बुनते हुए नजर आए, कांग्रेस को हिदायत दे रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे, उसके बाद 2022 का चुनाव लड़ा जाए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से आने से रोक सकें। लेकिन वो ताना बाना जो उनका था वो कहीं ना कहीं टूटा है, यही वजह है कि वो खुल करके समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आए और जो उनकी शर्तें थे कि बेहद से उन्हें समाजवादी पार्टी टिकट दे, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें बेहद से टिकट देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद साहब जो है वो भूमिका बना रखे थे समाजवादी पार्टी में जाने की ख्वाहिश वो कई दफा जाहिर भी कर चुके थे, लेकिन साइकिल पर सवारी की जो ख्वाहिश थी उनकी वो पूरी नहीं हुई, एक तरीके से कहिए जो उम्मीद थी समाजवादी पार्टी से वो पूरी नहीं हो पाई टिकट को लेकर। और अब आप ये जानकारी दे रहे हैं, आपके सूत्र आपको पुख्ता तौर पर ये बता रहे हैं कि वो बसपा का दामन थाम सकते हैं, इस पर भी लगातार निगाहें होंगी कि कब वो हाथी पर चढ़ाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, पूरी जानकारी के लिए और विस्तार समझाने के लिए।